हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं दिखाऊंगा आपको रावगढ़ विधानसभा के जेबी सिंह और भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह का किला, जो रावगढ़ में स्थित है। और आप देख सकते हो उनके सामने फोर्ट दिख रहा होगा आपको। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, मैं आपको लेके चलता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, ये किला दिख रहा है सामने, तो मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर की ओर। तो गाइस, फाइनली मैं किले के मेन गेट पर पहुँच चुका हूँ। देख सकते हो, ये है श्री दिग्विजय सिंह जी का किला, जिसका मेन गेट रावगढ़ विरासत के राजा दिग्विजय सिंह का किला। तो चलते हैं दोस्तों, मैं लेके चलता हूँ आपको अंदर। तो फाइनली गाइस, मैं अंदर पहुँच चुका हूँ किले के श्री जेबी सिंह जी के, और आप देख सकते हो बहुत सारे लोग बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जेबी सिंह भी अभी रात को ही आए हैं किले में, और जो उनके विधानसभा के लोग हैं वो उनसे मिलने के लिए, अपनी समस्याओं के लिए बैठे हैं दरबार लगाने के लिए। देख सकते हो दोस्तों, और इधर देख सकते हो दोस्तों, ये पार्किंग और छोटा सा गार्डन भी बना हुआ है। और यहाँ पर ये मंदिर है। इस किले में दोस्तों चारों तरफ मंदिर बने हुए हैं, और सामने देख सकते हो किले का नज़ारा कुछ ऐसा है। और ये पुराना गेट है, जब युद्ध के समय में इसका यूज़ किया जाता था, बट अभी ये दरवाज़ा बंद है और पीछे का रास्ता चालू है अभी, जो मैं आपको लेके आया हूँ मेन गेट से। और ये है दोस्तों किले का सामने का नज़ारा, आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत महल है ये दोस्तों। तो बने रहिए। और ये दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ किले में अंदर। तो दोस्तों, फाइनली मैं एंटर कर चुका हूँ किले में, तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों। सबसे पहले आपको भगवान के दर्शन करने को मिलेंगे, गणेश जी के। ये भगवान गणेश जी का मंदिर, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो, तो कुछ ऐसा है दोस्तों। तो दोस्तों, ये किले का मंदिर। जय श्री राम। और यहाँ पर तो यहाँ पर पुजारी जी हैं, जो मंदिर की पूजा करते हैं, वो इनके बारे में कुछ बताएंगे जी। बताना कुछ। स्वामी का मंदिर है जगन्नाथ जी का। अच्छा, और कितना प्राचीन है ये भगवान? कम से कम 500-700। अच्छा, मतलब जब किला बना था उससे पहले। तो देख सकते हो गाइस, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हो आप किले के अंदर। और दोस्तों, काफी खूबसूरत किला है ये, और किले के चारों ओर मंदिर है इसमें। और ये सामने श्री जेबी सिंह जी का रेसिडेंशियल है। तो गाइस, मैं आपको लेके चलता हूँ किले के ऊपर हाइट पर, जहाँ से किले का सारा नज़ारा आप देख सकते हो।
किले में एक मंदिर ऊपर भी है, ये देख सकते हो काफी खूबसूरत किला है ये रावगढ़ क्षेत्र का। और ये देख सकते हो ये हिंदू और सनातन धर्म की पहचान है। जो लोग आरोप लगाते हैं श्री दिग्विजय सिंह जी पर कि वो सिर्फ मोमडंस को फॉलो करते हैं, बट आज आपको हकीकत देखने को मिलेगी कि वो आज भी हिंदू परंपरा को कितना अच्छे से लेकर चल रहे हैं। देख सकते हो और यहाँ पर ये चारों ओर छतरियां बनी हुई है, ये इधर वॉच टावर बने हुए हैं दोस्तों। और ये रावगढ़ का नजारा कुछ ऐसा दोस्तों, ये किले का पिछला हिस्सा, ये पीछे का नजारा है। यहाँ से आप पूरा रावगढ़ का व्यू देख सकते हो दोस्तों। और ये किले के आसपास की बस्तियां भी हैं और यहाँ से ये रास्ता आ रहा है किले पर, देख सकते हो। और सामने भी एक मंदिर दिख रहा है यहाँ से। तो दोस्तों कमेंट्स कर बताना ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये पुजारी जी महाराज जो मंदिर की पूजा करते हैं, तो थोड़ा सा आप बताइए गुरु जी के बारे में, किले के बारे में थोड़ा सा। या वो किला तो जो बना है 1736-37 में, जिसका निर्माण किया महाराज लाल सिंह जी ने। अच्छा। और यहाँ ये जो मूर्ति थी राघव जी की, वो इसी पहाड़ में मिली थी उनको। अच्छा। दर्शन हुए थे उनको स्वप्न में, इसे पहाड़े सामने, मतलब राजा पहाड़ कहते हैं उसे, दर्शन हुए थे यहीं पर। फिर मूर्ति निकाली गई है, वो तो पकड़ा दी गई थी फिर बाद में उन्होंने इसके लिए। और कुछ दिनों के बाद ये मुसलमानों का राज था उस टाइम पर, हमला हमला किया होगा तो मूर्ति को उन्होंने मतलब बाहर भेजा दिया था। तो रास्ते में उनके सवारों को रोक भी लिया था, ये मकसूदगढ़ के पास एक घोड़ा को छाड़ गया है उस टाइम, नदी है उस पर, तो भावों ने डाल दी थी उसमें उसे। और परंपरा के अनुसार पूजा पाठ मंदिरों में रेगुलर चल ही रहा है, राघव जी का मंदिर है, राघव जी के नाम से, राघव जी महाराज के नाम से पूजा जो 5 टाइम होती है। ठीक है, धन्यवाद। इधर यहाँ से भी देख सकते हो दोस्तों, यहाँ बैठ के आप नजारा देख सकते हो आगे का पीछे का, तो काफी शानदार। ये इनका एक स्पॉट बना हुआ है जहाँ पर जो सेना थी वो रुकने के लिए व्यवस्था थी, अगर कोई आक्रमण हो तो वहाँ से कॉल किया जाता था और सेना को अलर्ट मोड पर रखा जाता था। तो देख सकते हो दोस्तों किले में चारों ओर मंदिर ही मंदिर आपको नजर आएंगे। इधर भी देख सकते हो ये श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है और यहाँ से भी काफ़ी शानदार व्यू दिखता है। और इधर आप देख सकते हो ये डैम बना हुआ है छोटा सा, जिसमें पानी भरा हुआ है। और यहाँ से आप हाईवे का भी नज़ारा देख सकते हो, दूर दूर तक ये, यहाँ से आपको शाड़ा कॉलोनी नज़र आएगी। और इधर आप देख सकते हो दोस्तों ये रखी हैं तोपें, जब युद्ध के टाइम पर इनका यूज़ किया जाता था। तीन बड़ी बड़ी तोपें जो एक म्यूज़ियम के रूप में रखी है दिखाने के लिए, क्योंकि अब तो इनका कोई इस्तेमाल होता नहीं है। और सामने ये हॉल है जिस पर लोगों से बातचीत होती है, समस्याएं सुनी जाती है।
इधर देख सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों जो भी मिलने आते हैं बाबा साहब जय विशन से, और फिर उनसे अपॉइंटमेंट लेके मिलने के लिए छुट्टी भेजेंगे। यहाँ से भी देख सकते हो दोस्तों किले का सारा व्यू आपको दिखेगा। इधर का जो पोर्शन है जो वाइड वाला, इसमें लक्ष्मण सिंह जी जो दिग्विजय सिंह के छोटे भाई है उनका निवास है, और इसके जस्ट राइट में श्री जेबी सिंह जी रुकते हैं, और ये है कॉन्फ्रेंस हॉल जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी जाती है, देख सकते हो आप। और ये है मेन गेट का नज़ारा जहाँ से एंट्री है, देख सकते हो। और इधर लोगों की भीड़ लगी है समस्याओं के लिए, यहाँ पर जनता दरबार भी लगता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। रावगढ़ क्षेत्र के राजा श्री दिग्विजय सिंह जी का किले का, तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट्स कर बताना दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद जय भारत।